की जन्म पत्री यही टेम की बात है जब ये तुलसी भाई बगरावत रानी जयंती ने लाया माता साधु सतवंती नार वह अपनी दोरैया जेठैया ने समझा दी। देखो ये दोरैया जेठैया बगरावत ले आया रानी जयंती ने हेमती ने कहा वाकी दो उद्यम को काम वह है देवी चांदा वह बगरावत ने एक भी बाकी न छोड़े ली वह बगरावत ने खपाबा के वास्ते आई है और खपा कर जावेली बाकी जावेली का तो आप सब से यहाँ चांदा के पढ़ा लाल जावा तो शायद वह आप स्वागत ने वापस छोड़ दे अमर कर दे तो सब दौरे ने जेठैया माता साधु के साथे वेगी खारी नदी के धावे आपना स्वागत की भीख मांगबा लागी रानी जयंती ने ध्यान मांगेगा वही वक्त बीच में रानी जयंती केबा लागी मांग मांग और के थारे मांगो वे जो मांग वही वक्त बीच में माता साधु केबा लागी हकन को कई वरदान मांगो माया मात्रा धन दौलत मारे कई कमी न है मु तो आपन को यो वरदान मांगो कि माता स्वागा ने वापस लौटा दे मां रानी जयंती केबा लागी देख माता साधु मु बगरावता ने खपा पर का वास्ते आई हूं और खपा कर जाऊं ले आगे रोई न जाऊं माता साधु खटाई किसान बाजी की वाजी गोद खटाइया ही माता साधु को पीर उज्जैन के पास भैरूपुर गांव में हो होगा वाका पिताजी को नाम बुद्धा जी खटाना हो बुद्धा जी खटाना माता साधु के तीन भाई हा आमो निमो और गुगरी ये बातें माता साधु खटानी बाजी आगे जा तो रानी जयंती केबा लागी माता साधु ने मांग मांग और किस भाई मांगनो ने जो मांग मांग माता साधु केरी मातेश्वरी बार बार मु प्रार्थना करू मने मारो स्वाग लौटा दे मां और मारे कई ने छावे वाकी भीख मांगो जा रानी जयंती केबा लागी मु खपा पा के वास्ते आई हूं और खपा कर जाऊं ले पर देख तो तुम्हारे पढ़ा लागी ई वास्ते मु थारा तो बहुत राजी रहेगी हूं रहेगी जा सब सत्या वे जाय थारी दोरैया जेठैया पर तू सती मत लीजे सटका उपरे लीजे एकदम भगवान थारी दोरा में पावना आवेला आवेला जा मातेश्री आज तो मु स्वागत हूं मारे कोई बाल बच्चो न है यदि मु रानी रान वे जाऊं तो मारे बाल बच्चो खतु वे खतु वे जा तो रानी जयंती केबा लागी दन और ऐलान बतावा लागी देख माता साधु तने दन और वार बताओ जान लगा सुन तो केबा लागी है कई केगा हाय साधु माको महीनो ये पोपोता भोजा जी पाषाण का वेग्या भोजा जी पत्थर का वेग्या
वही वक्त का बीच में भोला जी की मूर्त आज भी बैठित की है। भालो रुपये तो है, कोई भी भक्त दर्शन करवाने जावे तो वहाँ मूर्त एक बीघा का खेर में छेती देवे और हरदी पिटी की बासना आ जावे। आप कपड़ो ले जा वहाँ मूर्त के घस लावे तो जगह तक कपड़ो फाटे वटा तक मामू हरदी पिटी की बासना ले जा। बगड़ाता ने 1053 साल ले गया, देव नारायण भगवान का अवतार ने 1045 साल ले गया। संवत 968 का साल को अवतार है, माघ सुदी छठ शनिवार को अपने सभी भूल गया तो सज्जा रहेगी और माता साधु अकेला रह गया। जी टेम का मायने माता साधु ने परणाया सभी माँ का पिताजी दाइशा में दीदी एक दासी 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 को नाम कही है हीरा गुजरी। हीरा गुजरी दासी ने केवा लागी देखिए दासी अबे आप में ये देख शान कर सी ध्यान कर दे। तो हीरा बोली देखो माता साधु आप सबका उपरे रहो भगवान की माला फेरो। तो माता साधु शंकर भगवान की माला फेरे मातेश्वरी की माला फेरे अटने बगड़ाता ने मजा 12-12 बरस रह गया। एक दिन की बात है कही है माता साधु सूता तका आप भोजा जी का रंग महल में नेल में सूता तका ने सपनो आयो। सपना में माता साधु देव नारायण भगवान ने देख लिया है। वाह माता साधु काची नींद में उठ गए ऊर्जा से और हीरा गुजरी ने बुलाई केवा लगा देख ले हीरा खून मारा हम चार मने रात का माई ने कई सपनो आयो रही आयो जा हाय हीरा रात को सपनो ये एडो माता बेकूट जबल आई गया तो माता सड्डू घोड़ा की लगाम पकड़ ली थी। अरे भगवान कट्टे चले जी मौका में मौका हाथ में चट्टी हो घोड़ो गए बाबू जी ने नीचे पट गए जी को तो बड़ला को पेड़ ही गयो बड़को पेड़ ही गयो। हाँ देवनारायण यहाँ से ऊपर उड़ गया ऊपर उड़ो चाहे गुफा में जाओ यहाँ से समाप्त हो गया। फिर बाद में बेकूट जाने के बाद में क्यों क्या अरे पाचा रोज पीपल देश मिलने के लिए बरना घर में आता चौको लगाता रहे शोक तो देख तो पीपल देने के रहता बाकी वह वापिस चला जाता था। यहाँ के कहानी भगवान के पीपल दे के यहाँ जाना यदि चाल ही थी वह चलते चलते एक दिन कोई समाज हो कोई हो तो माता साधु ने मालूम पड़ गई कि भाई मारो देव तो बेकूट चले गयो तो तेरे पास मिलने के लिए कौन आवे। तो ये बात भगवान पीपल देने बताई कि बको मतलब हमारी माता ने जो ये बात बता दे बोली तो मैं तेरे से मिलवा के लिए नहीं आऊँगा। तो अब बीच में पीपल दे तो अटक गई अगर माता ने बात बता देवे तो भगवान आपको बंद हो जावे। हाँ माता ने बात ना बतावे तो माता को सको बच जाओ कि तेरे कौन आवे। वह तो ऊँ करता करते बात चलते चलते एकदम अंत के तंत परेशान है फिपड़ देखी होगा आपको देव मान के मिलवा के लिए आवे। तो धान के मिलवा के लिए आवे तो की बुद्धियों आवे कि मैं कुमारी केड़ी को गोबर और पीली ले और वह की गोली लगाऊँ अगर गोली सूखे तरह रेवे मान के वापिस चलिया जावे। वह ओशन के दिन यदि एक दिन भगवान वह तो वही देव रुपया ना तो आई सत्यवंती ही या आशी की दीजो कोई गोबर महीने तेल डाल दी तो वह गोली सूखी ने भगवान जावी ने वह ऊँ करता करता चलते चलते मतलब तीन लोगों का ना था मैंने तो मालूम तुझी ही वरसना रचा नहीं मांगे तो यह भगवान की कृपा साडू माता जी एक तुरछा को पेड़ हो गणेश जी में भूषण छुपन बैठ गई छुपन बैठ गई जी मुकाम भगवान निकलवा लगे जो पकड़ भाई कोशिश की थी जो भगवान शेष घोड़ा शेष दे गया अब गिना गिना पकड़े। वाह तो जाता तक आ माता साडू तुरचा का गोल में छुपन देख लेता जी जाता तक तुरचा ने श्राप दे गया कि मारी माता ने तो छुपा ली थी मारे मंदिर रेवे जो थुंदर रेवे जो देवनारायण का मंदिर पे तुरचा तो जी श्याब ने रेवे जी दिन को हराब लगे तो तुरचा देवनारायण का मंदिर ने तो देवनारायण के चिड्डे ने देवनारायण का मंदिर रेवे जो तुरचा रेवे और पचे पीपल देने के गया कि अब मई साता और बाजी छठ तारो मिलवा के लिए आओ। वाह या अट्टू बचा बेकूट जा जवान बच्चा बच्चा थाली को देवरू बनायो बाजूदा मैंने थाल जिमाई जवान जो उद्भुति काम की थे जो सब जड़े लंबी करता सब एरी जो टोटल वर्णा करो ये एरी टोटल वर्णा कर पिपल देव मिलवा आता तो बनना कर घोड़ा के खूंटी टोके जी को बन्ना को पेड़ है लीला कर को ठान अटे है बाकी कशी मंदिर में पिपल देव स्थान को पिपल देव स्थान बनना कर में जो भगवान का कुदरत का हाथ की निजी चीजें हैं जो सब बनना कर में है बनना कर का लावा घटी अंदर में होना कोई प्रोग्राम यो अष्ट सब कबाड़ो जो भगवान का हाथ को है। तो अब भगवान को भी शुरू का रास्ता यहाँ से मिला
तो अपन मनुष्यों को भी सूर्य का रास्ता यहाँ से मिलेगा। पृथ्वी में कटे भी हो हर जगह यात्रा करो और वर्णागिरी यात्रा न करो तो आपकी यात्रा भी सफल बने। भाई भगवान को भी रास्ता खुद भाई वैकुंठ को यहाँ से मिला तो अपन को भी यहाँ आने के बाद में रास्ता मिलेगा। वो है और बोल देवनारायण भगवान की जय हो और आपकी भी जय हो। भगवान आपकी लंबी उम्र देवे और अंधन कपड़ों भंडार फिरे रखे और आपने अच्छी सुध बुद्धि देवे ने इसको आप फेसबुक पर छिटा के लाइक कर दीजिए।